नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, छत पे हम बागवानी करते हैं तो हम सब्जियों के अलावा फल वाले पौधे भी अपने छत पे लगाते हैं। तो मैंने भी करीब 15 से 20 फ्रूट प्लांट्स अपने छत पे लगा रखे हैं, तो मैं आपको पूरी टूर दूंगा अपने छत पे लगे हुए फल वाले पौधों की कि किस साइज़ के गमले में कौन कौन से फल वाले पौधे मैंने लगाए हैं और किससे मुझे क्या क्या फ्रूटिंग प्राप्त हो रही है, क्या कंपोस्टिंग, कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोई भी फल वाला पौधा, किसी भी फ्रूट प्लांट को आप अपने छत पर अगर लगाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कम से कम 18 इंच का ग्रो बैग जरूर लें। अब दोस्तों, स्टेज अलग अलग होती है पौधों की। अगर आप छोटे पौधे ले रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास ये आम का, ये आम्रपाली आम का पौधा है, छोटा पौधा है तो मैंने इसे इस 15 इंच के गमले में लगा रखा है। जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे फिर शिफ्ट कर दूंगा। इसी प्रकार देखिए आंवले का पौधा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पौधा अभी छोटा है, इनिशियल स्टेज में है, फ्रूटिंग स्टेज में नहीं है, तो उस गमले के लिए, उस पौधे के लिए 15 इंच का गमला सफिशियंट है। पर अगर पौधा मैच्योर हो रहा है, 1 से 1.5 साल पुराना हो चुका है, तो आपको उसको कम से कम 18 इंच का पॉट देना चाहिए। अगर आप 24 इंच का पॉट दे रहे हैं तो वो और बेहतर है, पर कम से कम 18 इंच का पॉट आपको अपने गमले में रखना चाहिए अपने फ्रूट प्लांट के लिए। तो दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो आज का। तो मैं स्टार्टिंग में पहले दिखाता हूँ आपको कि आम से ही स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरा 12 मासी आम का पौधा है और 12 मासी के आम के मेरे पास 3 प्लांट हैं। ये देखिए, एक इसमें आम लग भी रहा है, मैं आपको दिखाऊं अगर दिख रहा हो थोड़ा। ये देखिए आम लग भी रहे हैं। ये मेरा ड्रम है जिसको मैंने, एक ड्रम को काट के 2 हिस्से में कर लिया है और उस ड्रम में मैंने आम के पौधे को लगाया है। आप इसकी मेन स्टेम देखिए, ये कितनी पुरानी हो गई है। ये मेरा पौधा करीब 1.5 साल का हो गया है और इसमें मुझे साल में कम से कम 3 बार आम मिल जाता है। हालांकि साइज़ बहुत बड़ी नहीं मिल रही है, पर आम इसमें लग जाते हैं साल में 3 बार। तो आप आम का पौधा लगा सकते हैं अपने ग्रो छत पे 18 इंच के ग्रो बैग में। दूसरा दोस्तों, ये देखिए अमरूद है। अमरूद के भी मेरे पास 4 पौधे हैं, तो अमरूद भी मुझे साल भर में 2 से 3 बार तो तोड़ने को मिल ही जाता है। हमेशा मुझे किसी न किसी पौधे में हमेशा अमरूद मिलता रहता है। अभी देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए अमरूद लग भी रहे हैं और ये पक भी चुका है, तोड़ने के लिए रेडी है। तो ये देखिए अमरूद भी, और इनकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी मिलती है अमरूद की। मुझे 18 इंच की ग्रो बैग में है ये। एक पौधा इधर है, ये देखिए दूसरा पौधा, और यहीं बगल में। तो मेरे पास करीब 4 पौधे हैं, चारों मैंने 18 इंच के ग्रो बैग में लगा रखे हैं और इनमें से आप देखिए इस प्रकार की फ्रूटिंग मुझे मिलती है। तो आप अमरूद भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, पपीते का पौधा है, 2 पौधे मेरे लगे हुए हैं और बाकी छोटे हैं अभी, जिनको मैंने अभी लगाया हुआ है। तो पपीते में फ्लावरिंग तो आने लगी है, फ्रूटिंग अभी मुझे मिली नहीं है। देखते हैं फ्लावर कब फ्रूट में तब्दील होते हैं। इसको भी मैंने 18 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और ये देखिए कुछ मैंने छोटे पौधे अभी रिसेंटली लगाए हैं, तो आप पपीता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये शहतूत का पौधा है, देखिए 18 इंच के गमले में मैंने इसको भी लगा रखा है शहतूत। तो ये अभी मेरा नर्सरी से मैं ले आया था, करीब 6 महीने हुए हैं इस पौधे को। अभी इसमें मुझे 1-2 फ्रूट ही मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले हैं। अब देखते हैं इस सीज़न में इसमें से कितना फ्रूट मुझे मिलता है। तो आप पपीता, शहतूत भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप केले का पौधा लगा सकते हैं अपने ग्रो बैग में, जिसके लिए अगर 24 इंच का ग्रो बैग लें तो ज़्यादा बेहतर आप मिलेगा, आपको पौधे में ग्रोथ भी मिलेगी और फल भी 24 इंच के गमले में मिलेगी। तो आप केले का पौधा अगर लगाना चाहते हैं तो कम से कम 24 इंच का ग्रो बैग ज़रूर लें। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आप स्टार फ्रूट लगा सकते हैं, इसको हिंदी में अमरख बोलते हैं। अमरख के पौधे के लिए आप 15 इंच का ग्रो बैग भी लगाते हैं तो उसमें अच्छा चल जाएगा और इसमें फ्रूटिंग भी आपको 15 इंच के ग्रो बैग में मिलेगी। तो ये मेरा एक पुराना पौधा था जो ख़राब हो गया, उसमें मुझे 2-3 बार फ्रूटिंग मिली थी, वो भी 15 इंच के ग्रो बैग में लगा था। ये मैंने अभी 6 महीने पहले लगाया है, तो ये भी पौधा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। फिर आप आंवला लगा सकते हैं। अगर आंवले की आपकी, देखिए ग्राफ्टेड पौधा है, तो आप इसे 18 इंच या 24 इंच के ग्रो बैग में लगाइए, आपको आंवला भी ढेर सारा फल प्राप्त होगा आंवले का गमले में।
फिर दोस्तों आप अनार लगा सकते हैं। अनार देखिए मेरे पास दो पौधा है, दूसरा पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें से मुझे ढेर सारी फ्रूटिंग मिली है। और ये पौधा अभी नया है, ये देखिए इसमें नई नई लीव्स आ रही हैं, पुरानी लीव्स सारी गिर गई हैं। इससे मुझे दो बार फ्रूटिंग मिल चुकी है। ये हालांकि 15 इंच के ग्रो बैग में, इसको मुझे शिफ्ट करना है अभी, इसको भी 18 इंच के ग्रो बैग में करना है। तो आप अनार भी लगा सकते हैं और 18 इंच के ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको ढेर सारी फ्रूटिंग अनार में मिलेगी। फिर दोस्तों ये मेरा जामुन का पौधा है, जामुन भी आप लगा सकते हो, दो वैरायटी में आती है, वाइट और ब्लैक, तो आप कोई सी भी लगा सकते हो। 18 इंच का कम से कम गमला लें और उस गमले में जामुन को लगाएं, कम से कम 2 साल बाद ही इसमें फ्रूटिंग आती है। अभी 1.5 साल हुआ है, देखते हैं फ्रूटिंग कब तक आ रही है। तो आप जामुन भी अपने गमले में लगा सकते हैं। फिर दोस्तों जामुन के बाद मैं बात करूं तो आप अंजीर का पौधा लगा सकते हैं। अंजीर की तो डिटेल वीडियो मैंने दिखाई है आपको, और अंजीर में भी मुझे साल में 2 बार फ्रूटिंग मिलती है। देखिए अभी भी फ्रूटिंग लगी हुई है, पिछली फ्रूटिंग मैंने हार्वेस्ट कर ली थी, नई फ्रूटिंग दिख रही है। आप अंजीर को कलम से भी लगा सकते हैं और ग्राफ्टेड ग्राफ्ट कर भी सकते हैं, एयर लेयरिंग भी इसकी कर सकते हैं। अगर एयर लेयरिंग करना चाहते हैं तो ये जो ब्रांच है इसको कट करके इसमें आप कोकोपीट मॉइस्ट करके बांध दीजिए, करीब 15 दिन बाद इसमें रूट्स आ जाएंगी। फिर आप उसे 15 से 20 दिन बाद काट के किसी भी गमले में जिसमें लगाना चाहें लगा सकते हैं। फिर दोस्तों अगला पौधा है चीकू का, चीकू भी आप अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इस साल मुझे चीकू में अपने 1 से 2 फ्रूट मिले थे, ज़्यादा फ्रूट्स नहीं आए, फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा आए थे पर फ्रूटिंग ज़्यादा मुझे मिली नहीं, 1-2 फ्रूट ही मिल पाए थे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर कितनी क्या फ्रूटिंग आती है इसमें। चीकू भी मैंने 18x18 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है, ये देखिए। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, जो जब इसकी सीजन नहीं है चीकू का, अभी फ्रूटिंग नहीं होनी, तो मैंने इसमें फिर मूली के सीड्स डाल दिए हैं, ये भी मुझे इसी गमले में मिल जाती हैं। तो चीकू भी आप लगा सकते हैं अपने छत पे 18x18 इंच के ग्रो बैग में, बड़ी ही आसानी से चीकू आपको हार्वेस्ट करने को मिलता है। अब दोस्तों आपको मैं बताऊं, आप ड्रैगन फ्रूट का पौधा भी अपने छत पे गमलों में लगा सकते हैं। इसके लिए आप 15x15 या 18x18 इंच का ग्रो बैग लें और उसमें 2 पौधे लगा दें एक ही ग्रो बैग में। ड्रैगन फ्रूट दोस्तों किसी सहारे से जाएगा, कोई आपको सहारा देना पड़ेगा, फिर ये स्ट्रेट आपको सीधा चलता चला जाएगा। नीचे से जो भी ब्रांचेस निकले आप उसको कट करके उसकी कलम लगा सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट में दोस्तों जो खास चीज़ है, इसकी जो मिट्टी आपको तैयार करनी है वो बाकी पौधों की मिट्टी से बिल्कुल अलग होगी। इसमें आपको जो गमलों के टुकड़े हैं वो रेत और गार्डन सॉयल बराबर मात्रा में लेनी है, कंपोस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप 10% कंपोस्ट भी यूज करते हैं तो वो इसके लिए सफिशियंट है। तो इसकी जो मिट्टी आप तैयार करेंगे वो इन बाकी पौधों से बिल्कुल अलग होगी, और बहुत ज़्यादा इसमें आपको वाटरिंग भी नहीं करनी है। तो इस पौधे में ये थोड़ी स्पेशल केयर है। तो आप ड्रैगन फ्रूट भी लगा सकते हैं और 1.5 साल के आसपास आपको ड्रैगन फ्रूट भी तोड़ने को अपने छत से मिलने लगता है। फिर दोस्तों आगे बात करें तो आप एप्पल वेयर का पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा एप्पल वेयर का पौधा है, तो इसमें कुछ 10-12 फ्रूट फल आए थे, पर पहले फल थे तो मैंने उन्हें मैच्योर होने से पहले ही तोड़ दिया। तो आप एप्पल वेयर भी अपने यहाँ छत पे लगा सकते हैं, 15x15 इंच के ग्रो बैग में बड़ी आसानी से चलता है ये। इसके अलावा दोस्तों आप लगा सकते हैं चेरी का पौधा, चेरी भी 15x15 इंच के ग्रो बैग में चलेगा अच्छे से। ये देखिए मेरा चेरी का पौधा है, ये इसमें आप देखिए नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो आप चेरी भी लगा सकते हैं, चेरी भी आपको 15x15 इंच के ग्रो बैग में अच्छे से पनप जाती है, हो जाती है, और अगर कंपोस्टिंग आप करते रहते हैं तो चेरी ढेर सारी इसमें लगेंगी। फिर दोस्तों आप अंगूर का पौधा लगा सकते हैं, ये देखिए मेरा अंगूर का पौधा। तो आप अंगूर भी लगा सकते हैं अपने गार्डन में, अगर 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगाते हैं तो ठीक, 24x24 इंच का ग्रो बैग है तो ज़्यादा बेहतर होगा, उसकी लताएँ ज़्यादा फैलेंगी। तो आप अंगूर भी लगा सकते हैं, अंगूर को फुल सनलाइट में रखिए, जितने भी पौधे फ्रूट प्लांट्स हैं आप उनको सभी को फुल सनलाइट में रखिए, ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूसिंग होगी इनकी, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ज़्यादा अच्छी इनमें मिलेगी आपको। उसके बाद देखिए दोस्तों ये मेरा इमली का पौधा है, करीब करीब 2 साल पुराना हो चुका है, अब देखिए कितना ज़्यादा बूसी है। और ये 18x18 इंच के ग्रो बैग में आपको मैं दिखाता हूँ लगा हुआ है, आप इसकी स्टेम देखिए कितनी हैवी है, कितना पुराना पौधा है और एक तरह से बोंजाई है। ये करीब 4 फुट ऊँचा पौधा है, 4 से 4.5 फुट ऊँचा पौधा है, और कितना ज़्यादा बूसी आपको दिख रहा है ये। अब इसमें देखते हैं कि हमें फ्रूटिंग कब तक मिलनी स्टार्ट होती है।
क्योंकि लास्ट ईयर कुछ फ्लावर्स तो दिखे थे पर फ्रूट ज़्यादा फ्लावर्स नहीं दिखे थे और फ्रूट में भी नहीं बदल पाए वो। तो अब देखते हैं कि कब तक फ्रूटिंग मुझे इसमें स्टार्ट होती है मिलनी। फिर दोस्तों आखिरी पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ लीची का। अगर 24x24 इंच के ग्रो बैग में आप लीची लगाते हैं तो इसमें आपको फ्रूटिंग मिलेगी, 100% श्योर है। ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, मुझे मिल चुका है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 24x24 इंच का ग्रो बैग है मेरा, इसमें मैंने लीची लगा रखा है। तो आप लीची भी अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फ्रूट प्लांट्स थे जो मैंने अपने टेरेस पे लगाए हुए हैं, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आप लोगों ने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।